आज की कहानी है शाहरुख खान की। शाहरुख खान की फिल्म आई है जवान, और उसने 3 दिन के अंदर कई सारी मूवियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शाहरुख खान की जो फिल्म आई है जवान, उसने 3 दिन में 375 करोड़ का बिजनेस कर रहा है वर्ल्ड वाइज, सारे देशों को मिला के, सारी भाषाओं को मिला के। अब तक उसने 3 दिन के अंदर 375 करोड़ रुपए कमा लिए। उसने अभी तक जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, उस रिकॉर्ड में खुद उसकी पुरानी मूवी पठान है, जिसका रिकॉर्ड वो तोड़ चुकी है, बाहुबली है, बाहुबली 2, उसके अलावा गदर 2, इन सारी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जिस हिसाब से शाहरुख खान की मूवी जवान की जो स्पीड चल रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो जल्दी ही 1,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दर्शक कह रहे, देखने वाले कह रहे। अभी बात यह है कि आखिर शाहरुख खान ऐसा कमाल कैसे कर रहे हैं। एक तो ये कि शाहरुख खान ने जो इस मूवी में जो डायलॉग्स हैं बड़े कमाल के हैं, दूसरी जो कहानी है वो बड़ी लोगों को लुभावनी हो रही है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर पहले किसानों को लेके बात चली कि भी किसानों ने किस तरह से आत्महत्या कर ली, इस टाइप की कुछ कहानी है। कहानी तो पूरी मैं नहीं बताऊंगा, आप जब फिल्म देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या फिल्म बनाई है। मैंने भी काफी टाइम के बाद ऐसी बढ़िया मूवी देखी है जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है। अगर एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है। उसके अलावा जिसने फिल्म को शूट किया है, जिसने फिल्म को फिल्माया है, उसने भी कमाल के सीन लिए हैं। उसके अलावा उनके जो को स्टार्स हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। लेके अगर उनकी हीरोइंस को देख लो, और जो भी जितने भी सारा स्टाफ है जो उसमें काम कर रहा है, उन्होंने बड़ा कमाल का वर्क किया है। अब जैसे कि शाहरुख खान की मूवी कमाल कर रही है, तो कई सारे लोगों के बयान आ रहे हैं, जिसे आनंद महिंद्रा ग्रुप के जो मालिक हैं, महिंद्रा ग्रुप के जो मालिक हैं आनंद महिंद्रा, उन्होंने भी कहा कि भाई शाहरुख खान को एक नेचुरल रिसोर्स घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो शाहरुख खान की मूवी है, जो बाहर भी चल रही है, देश के बाहर भी चल रही है, और वहां से पैसा अर्न करके इंडिया के अंदर आ रहा है, तो एक तरीके से इंडिया की अर्निंग बढ़ रही है, पैसा उसका बढ़ रहा है, बाहर से पैसा कमा के ला रही है। अभी शाहरुख खान को लेकर कुछ लोग होते हैं जो बाइकआउट करते हैं, सिर्फ इस बिहाफ पे या इस वजह से कि भाई शाहरुख खान एक मुसलमान है। अगर शाहरुख खान की मूवी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो भारतीयता है, जो एक तरीके से देश प्रेम है, वो क्या होता है। तो उन लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए जाके, तब ताकि उनको समझ में आए कि कोई हिंदू या मुसलमान होने से देश प्रेम का कोई मतलब नहीं है। देश प्रेम दिल के अंदर से होता है, धर्म का देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। या किसी का ये सोचना है कि भाई मैं फला कास्ट का हूं, फला जाति का हूं, फला धर्म का हूं, और मैं ज्यादा पे प्रेम कर सकता हूं। हर वो इंसान जो इस देश में पैदा हुआ है, वो उतना ही प्रेम करता है। अगर कोई ऐसा सोचता है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जो जो दिमाग से पागल हैं, जिनके अंदर अकल कम है, जो धर्म धर्म के आधार पे या कास्ट के आधार पे अपने को छोटा बड़ा समझते हैं या सोचते हैं या ऐसा समझते हैं, मेरे हिसाब से तो वो लोग मूर्ख हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। आपको मेरी बात कैसी लगी? अगर मेरी बात आपको सही लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें यार, और लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगा नए एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।